नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, पत्नी के हाथ में होता है पति की किस्मत को संवारना। साथ ही जब पति और पत्नी के संबंधों में अगर दरार आती है तो पत्नी के हाथ में ही होता है पति की किस्मत को पलटना, उसे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना। वहीं पत्नी की कुछ गलतियां पति को बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पत्नी भूलकर भी ये पांच गलतियां ना करें, वरना आपके पति हो जाएंगे भिखारी और घर में आएगी कंगाली। ऐसे में आपको हमेशा रहना चाहिए सावधान। दोस्तों, हमारा यह चैनल सनातन धर्म व हिंदू समाज की आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी समस्त जानकारी आप तक पहुंच सके। चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, औरत किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और नर्क बना सकती है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। यह बात अपने आप में सच है। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर कभी भी घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर ही निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जाने अनजाने में घर की स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे घर में सुख शांति दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी अपने घर में नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको सुख समृद्धि के स्थान पर कंगाली और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और आपके पति बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारी जानी चाहिए। जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसके घर में दरिद्रता छाई रहती है और उसके घर में कभी भी आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं आती। इसीलिए ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को यह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में झूठे बर्तन रखती है तो घर में कभी भी संपन्नता और नहीं आती। घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अक्सर घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ी को किचन में झूठा रखकर ही सोनी चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती और यह गरीबी और दुख का कारण बन जाता है। विशेष तौर से खाने पीने और अग्नि से जुड़े हुए बर्तन आपको जरूर मांझ लेने चाहिए, वरना आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। अग्नि से जुड़े बर्तन यानी कि तवा, कढ़ाई, इस तरह की चीजें जरूर धो लेनी चाहिए, वरना यह दुख का कारण बनता है। सुहागिन होने की पहचान होता है उनका सिंदूर। सिंदूर को जिस भी डिब्बे से या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती है, वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में लगाएं, और अगर आपका सिंदूर कोई मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आपकी कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर एक बार आपने ये गलती कर दी तो ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही कष्टकारक बन सकता है। आपकी बर्बादी और आपकी आबादी आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली चीज, पायल और चूड़ियां और खासकर बिछिया। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर का पहना हुआ पायल, बिछिया किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने घर सौतन को आमंत्रित करते हैं, इसीलिए आपको ये अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने माथे की बिंदिया भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना ये हमारे कष्ट का कारण बन जाते हैं और ये आदतें हमें बर्बाद कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आना शुरू हो जाती है। जो महिलाएं काजल और लिपस्टिक अगर लगाती हैं, वो इस बात का खास ख्याल रखें, काजल लिपस्टिक महिलाओं के साथ श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ये काजल लिपस्टिक लगाती है, तैयार होती है, तो पति की नजरें अपनी बीवी से हट ही नहीं पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल और लिपस्टिक आपके और आपके पति के बीच दरार भी ला सकती है, साथ ही साथ आपके बर्बादी का कारण भी बन सकती है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आप जान लें कि अपना काजल और लिपस्टिक भूल से भी किसी अन्य महिला के साथ शेयर ना करें, वरना पति पत्नी के बीच में दूरियां आती है। ऐसे में पति का प्यार कम हो जाता है। साथ ही आजकल देखा जाता है कि
काजल लिपस्टिक लगाने के लिए महिलाएं ब्रश का या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसे ऐसे ही कहीं पर भी रख देती है और अगली बार फिर से उसका इस्तेमाल कर लेती है, तो यह आपके घर की बर्बादी का कारण बन सकती है। आपको श्रृंगार किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन इसी के साथ जरूरी यह है कि आप अपने साथ श्रृंगार का सामान, खासकर काजल लिपस्टिक, ऐसे ही कहीं पर भी ना रखें, बल्कि इसे छिपाकर रखें ताकि किसी अन्य की नजर इस पर ना पड़े, यहां तक कि आपने जो भी ब्रश लिया है, जिस भी चीज का इस्तेमाल किया है। लिपस्टिक या काजल लगाने के लिए उसे भी आप साफ करके रख लें, क्योंकि माना जाता है कि एक विवाहित स्त्री के श्रृंगार के सामान पर सबसे पहले नकारात्मकता असर करती है। ऐसे में अगर किसी की बुरी नजर आपके श्रृंगार के सामान पर लगती है तो इसका सीधा नुकसान आपको और आपके पति को झेलना पड़ता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि यहां की बातें वहां करना और वहां की बातें यहां। इस बात के कारण दोस्तों हमेशा नकारात्मकता उत्पन्न होती है और नकारात्मकता आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चले, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। शादी के बाद पति पत्नी के भाग्य जुड़े होते हैं और दोनों को हर तरह का सुख दुख साथ ही भोगना होता है। अगर पति कुछ बुरे कर्म करता है तो उसका फल पत्नी को भी भुगतना पड़ता है, और अगर पत्नी बुरे कर्म करती है तो उसका दुष्परिणाम पति को भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर घर की महिलाएं ये काम करती हैं तो पति को गरीबी का सामना करना पड़ता है, और वो काम है दोस्तों घर की स्त्रियों का सुबह देर से उठना। घर की महिलाओं को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेने चाहिए। लेकिन जो स्त्री सुबह नहीं उठती है और देर तक सोई रहती है, ऐसी स्त्रियों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उन स्त्रियों के पति कभी भी धनवान नहीं बनते। दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि घर की स्त्रियों को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए, परंतु अगर कोई स्त्री बोलचाल में अच्छी नहीं है और बात करते समय वो कड़वे शब्दों का प्रयोग करती है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल होता है। इसी कारण से उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।